नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण नाना और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नए एक्साइटिंग फीचर्स के बारे में जो कि हमने अभी रिसेंटली एल्गो क्रैब प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ब्रेक इवन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीन नए फीचर्स के बारे में जो कि हमने रिसेंटली एड ऑन करे हैं, जो कि आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और स्मार्ट बनाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ पाएँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो व्यूवर्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी जल्दी से। नए नए वीडियोज़ के बारे में आप जान पाएंगे और नए नए फीचर्स के बारे में भी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम दोस्तों, जैसे कि हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, एल्गो क्रैब प्लेटफॉर्म पर आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड की स्क्रीन दिखाई देती है। तो जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डैशबोर्ड की स्क्रीन आपको दिख रही है। अगर आपको सिंबल क्रिएट करना है यानी कि एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला प्रोसेस, हर बार बताया जाने वाला प्रोसेस और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोसेस ब्रोकर लिंकिंग। ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में जाना है आपको और ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में जाने के बाद आपको अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स डालनी है। तो जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको डैशबोर्ड मिलता है जिसमें आपको अलग अलग ब्रोकर्स दिखाई देते हैं। तो जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में आएंगे वहां पर आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसमें कि आप ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका ब्रोकर है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको टोकन लेना है और टोकन लेने के बाद आपको वैलिडेट टोकन पे क्लिक करके चेक कर लेना है कि जो टोकन आपको मिला है वो वैलिड है या नहीं है। टोकन सक्सेसफुली मिल जाने के बाद आपको सिंबल क्रिएट करना होता है जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी है। चाहे तो आप नॉर्मल कस्टमाइज सिंबल में भी कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन के सिंबल में भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से ऑप्शन के पैनल में जाएंगे और ऑप्शन का सिंबल क्रिएट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कौन से फीचर्स हैं और किस तरीके से इनको आपको इस्तेमाल। तो सबसे पहला फीचर आपको यहाँ पर मिलता है कैंडल टाइप का, जिसमें कि पहले हम आपको नॉर्मल कैंडल दे रहे थे लेकिन अभी हमने एड ऑन किया है यहाँ पर दो और तरीके की कैंडल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी हैं, जो कि है हाइकेनाशी कैंडल और रैंको कैंडल। यानी कि अगर आप चाहें तो हाइकेनाशी कैंडल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग करने के लिए, साथ ही साथ आप रैंको चार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाइकेनाशी और रैंको चार्ट के बारे में आपको जानकारी होगी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। बट हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपको एड ऑन करने का फीचर मिलता है जिसमें कि पहले आप नॉर्मल कैंडल्स यूज कर पाते थे लेकिन अभी इन दोनों का भी आनंद उठा सकते हैं। उसके बाद सेकंड फीचर है दोस्तों ओनली बाय ओनली सेल एंड मेट्रो। ओनली बाय ओनली सेल एंड मेट्रो के फीचर में दोस्तों ये होता है कि अगर आप ओनली बाय सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपके बाय के ट्रेड ही जाएंगे और सेल का सिग्नल आने के बाद आपका बाय का ट्रेड क्लोज हो जाएगा परंतु सेल नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप ओनली सेल यूज करेंगे तो सिर्फ आपके सेल सेल के ही ट्रेड जाएंगे, जब मार्केट में सेल का सिग्नल बनेगा तो आपके ट्रेड जाएंगे लेकिन बाय के सिग्नल पे वो ट्रेड क्लोज हो जाएंगे लेकिन नया ट्रेड नहीं बनेगा। अगर आप मेट्रो यूज करते हैं तो ये प्रॉपर उसी तरह काम करेगा जैसे प्लेटफॉर्म पहले काम कर रहा था। तो आशा करता हूँ ये फीचर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि अगर आप कभी किसी दिन सोचते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, आपके हिसाब से आपकी डायरेक्शन जो है वो बुलिश है, आप चाहते हैं कि मैं आज बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड करना चाहता हूं, तो फिर आप ओनली बाय का सेक्शन यूज़ कर सकते हैं और उससे ये होगा कि आपका जो ट्रेड है वो बाय का जाएगा और सेल का सिग्नल आने पे ट्रेड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आप इसके बाद अगले फीचर पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला फीचर दोस्तों ये है कि आप ट्रेडिंग किस तरीके से करना चाहते हैं, कैंडल क्लोज पे या फिर हाई लो ब्रेक पे। अब दोस्तों इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए आप सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं तो सुपर ट्रेंड में क्या होता है कि जब बाय का सिग्नल आता है, किसी भी सुपर ट्रेंड लाइन जो होती है वो किसी कैंडल जो है सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे क्लोज होती है तो आपका बाय का सिग्नल बनता है या फिर सेल का सिग्नल बनता है। उदाहरण के लिए अगर सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो बाय का सिग्नल बनता है। तो यहाँ पर फीचर ये है दोस्तों कि आप क्या आप ये चाहते हो कि कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड हो जाए, और या फिर ये चाहते हो कि उस कैंडल का जब हाई ब्रेक हो या फिर जब सेल का सिग्नल आया तो उस कैंडल का लो ब्रेक हो,
उस टाइम आपका ट्रेड हो, तो उसके लिए ये फीचर है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि बाय का सिग्नल आता है और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है, या फिर सेल का सिग्नल आता है तो वहां से भी मार्केट रिवर्स हो जाता है, उल्टा ऊपर की तरफ भागने लगता है। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए अगर आप चाहें तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फीचर में होता यह है कि जिस कैंडल पे आपका सिग्नल बना होता है उस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड नहीं होता, बल्कि ये वेट करता है कि कब इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक होगा। अगर सेल का सिग्नल है तो लो ब्रेक होने का, अगर बाय का सिग्नल है तो सिर्फ हाई ब्रेक होने का वेट करता है, और जैसे ही हाई या लो ब्रेक होते हैं तो उसके बाद आपका ट्रेड इमीडिएटली चला जाता है। तो ये थे दोस्तों तीन फीचर जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर हमने रिसेंटली आपके लिए ऐड किए हैं। अगर आपको ये फीचर अच्छे लगे तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म का 6 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग करते हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।